अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज़ूम बायोलॉजी ऑनलाइन ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जी, तो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर हमारा 6 है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में डियर स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की शरह जो है वो ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अगर हम शहरी आबादी की बात करें या हम देहाती आबादी की बात करें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उस पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की शरह पाकिस्तान के अंदर दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा है। तो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती है, इस बीमारी में इसकी वजूहात क्या हैं और इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें देखें, आप इसकी डेफिनेशन में देखें, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ट्रेकिया होती है, जो सांस की नाली होती है, वेन इट एंटर्ड इन टू द लंग इज डिवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स। तो ट्रेकिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम जो है बोलते हैं ब्रोंकाई, और जब ट्रेकिया मजीद डिवाइड होती है तो उसको बोला जाता है, उसकी ब्रांचेस को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। तो अगर ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में कहीं पे सोजन हो जाए, सांस की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजन हो जाए, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। उसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ द म्यूकस, बलगम जो है, म्यूकस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इन टू द ट्यूब्स, उन नालियों के अंदर, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वाल्स, और अंदर से सांस की नालियाँ जो हैं वो सूज जाती हैं, एंड नर्विंग ऑफ द ट्यूब्स, और सूजने की वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनमें सूजन हो जाती है, उनमें बलगम प्रोड्यूस होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि मुश्किल होती है। अगर हम बात करें काजेज की, इसकी वजूहात क्या होती हैं, तो काजेज में आप देखें, सबसे पहले इट इज काज बाय वायरसेस, वायरस इसकी वजह हो सकती है, जैसे आजकल कोरोना वायरस का इशू है, वो भी सांस की नालियों पे इफेक्ट करता है और लंग्स पे इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया इसकी वजह हो सकते हैं, और एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट्स, और कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो इरिटेशन काज करते हैं, जो एलर्जी काज कर सकते हैं, जैसे उनमें तंबाकू स्मोक है, तंबाकू स्मोक के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकते हैं, सांस की नालियों में सूजन का बायस बन सकते हैं और उनको तंग करने का बायस बन सकते हैं, यानी कि हम आम जुबान में कह सकते हैं कि वो ब्रोंकाइटिस का बायस बन सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, किसकी टाइप्स जो हैं वो कितनी होती हैं। देर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की 2 मेजर टाइप्स हैं, दैट इज द एक्यूट एंड क्रोनिक। डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट जब भी होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, क्रॉनिक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स में ये ब्रोंकाइटिस की जो टाइप है जिसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ये 2 वीक में ठीक हो जाता है, एंड द पेशेंट्स रिकवर विदाउट नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और द ब्रोंक्यूल्स। तो पेशेंट जो है, मरीज जो है, वो 2 वीक के बाद खुद ब खुद ही उसमें वो रिकवर कर जाता है और उसके ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता, उसकी जो इम्यूनिटी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसकी मदद से वो शख्स ठीक हो जाता है। जबकि अगर हम दूसरी बात करेंगे, दूसरी टाइप्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, द ब्रोंकाई डेवलप्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक मतलब लंबे अरसे तक रहने वाले के लिए यह टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो लंबे अरसे तक रहने वाली सूजन को बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इट यूजली लास्ट फॉर 3 मंथ्स, ये 3 मंथ से लेके 2 साल तक ये एंड हो सकता है, मतलब 3 मंथ तक इसका कम अज़ कम पीरियड है और 2 साल तक इसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड है, उसके बाद जो मरीज़ है वो रिकवर कर सकता है अगर उसका बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हो तो। उसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स की, सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ, खांसी आती है इसमें, मिल्ड वीजिंग कह लें कि हल्के दर्जे की सीटी जैसे सांस, बूढ़े लोगों में भी समटाइम आप फील करते हैं कि वो सांस लेते हुए सीटी सी बजती है, या छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि जब उनको खांसी टाइप लगी होती है तो साथ में सांस लेने में सीटी सी की एक आवाज़ जो है वो खनखनाहट की आवाज़ आती है, उसे कहते हैं मिल्ड वीजिंग। फीवर बुखार होता है, चिल्स ठंड लगती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और दम उनका घुटता है सांस लेने में, यानी कि तंगी होती है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, खास करके जब वो
हार्ड जॉब कर रहे होते हैं या रात के टाइम ऐसा हो सकता है कि सांस लेने में दुश्वारी आए। ये तो डियर स्टूडेंट अब हम जो है वो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आप आसानी से जो है इसको समझ सकें। इसको हम थोड़ा सा मजीद रिवाइज कर लेते हैं। आप ब्रोंकाइटिस को पढ़ चुके हैं जिसमें आपने पढ़ा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर होने वाली सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और ट्यूबुलर वायर्स जो है ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल्स की सूज जाती है जिसकी वजह से वो तंग हो जाती हैं। काजेज इसके वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं एंड एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट्स हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो दो मेजर टाइप्स इसकी हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, बेसिक टाइप दोनों ही हैं ये। एक्यूट में क्या होता है, पेशेंट रिकवर कर जाता है विद इन 2 वीक्स और इसमें कोई परमानेंट डैमेज ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को नहीं होता। जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की हम बात करें तो उसमें ये लंबे अरसे तक रहने वाली सूजन है और पेशेंट रिकवर कर सकता है इसमें 3 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक, अगर उसको जो है कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ हो तो वो रिकवर कर सकता है इसमें। सिम्टम की बात करें तो इसके सिम्टम में कफ है, मिल्ड वीजिंग साउंड है, सिटी की आवाज़ यानी कि फीवर, बुखार है, चिल्स, ठंड लगना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी दम घुटना इसकी जो है अलामत हैं। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड पे चूँकि माह रमज़ान चल रहा है आपको माह रमज़ान की बहुत सी मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।